अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय किचन शादाब एवरग्रीन। आइए आज हमारी किचन में हम हमारी एक व्यूअर्स के फरमाइश पर पाए बना रहे हैं, तो आइए इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हमने ये बकरे के 8 पाए ले लिए, इसको साफ करके अच्छे से वॉश करके और रख लिया है। और अब हम इसके लिए हमने थोड़ी सा ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 3 टेबल स्पून धनिया के दाने लिए हैं साबित, और ये थोड़ा सा सिनेमन स्टिक लिया है, ये जावित्री है, और बड़ी इलायची है 1.5, और इलायची है 7, और 10-15 काली मिर्ची है, और 8-9 लौंग है, और 1 स्टार एनिक है, और तेज़पात का पत्ता है। हमने एक प्याज को रफली मोटा मोटा ऐसे काट के रख लिया है। अब इसके प्रिपरेशन में हम एक तरीका होता पोटली में मसाला बना के उसको बनाने का, एक तरीका मेरा ये डिफरेंट है। मैंने क्या करा है, पानी ले लिया है 1 डिग्चे में, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लिया है, प्लस मैं इसमें जितने ये मसाले हैं पोटली नहीं बना के इनको ऐड करके इनको खोला के इसका जो अरक होगा वो मैं पाए में डालूंगी, इसमें प्याज भी डालूंगी, तो हमें पोटली को दबाने का और उसका जूस निकालने का वो सब नहीं, बस इसको उबाल के इसको हम छन्नी से छान के इसको पाए में ऐड करेंगे। तो आइए इसको अब हम खोलाते हैं। हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके पूरे फ्लेवर्स पानी में आ जाए। इसको कम से कम हम 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे कवर करके, फिर आपको बताते हैं। हमने कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, एडिबल ऑयल। अब हम ये गर्म हो गया है, अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्ची ये भी डाल देंगे, और इसको भूनेंगे थोड़ा। ये मेरा स्टाइल है बनाने का, ऐसे कोई नहीं बनाता है, मैं इसको थोड़ा सा भून के बनाती हूँ तो उसका मज़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो उबाल के बनाने से ये ज़्यादा टेस्टी होता है। बस हल्का सा इसको भूनते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से इसमें मसाले घुस जाएं, बस फिर हम वो अपना फ्लेवर वाला पानी इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमारा ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है अच्छे से, और इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो गई है और मसालों के फ्लेवर आ गए हैं। अब हम इसमें ये छन्नी लगा के ये हमारा जो मसालों का पानी बनाया था ये इसमें डाल देंगे। अब इस पानी में सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करा है, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको कवर करके 5 से 7 सीटी लगाएंगे ताकि हमारे पाए गल जाए। इसके बाद आपको दिखाते हैं, हमारे पाए गल रहे हैं जब तक हम साइड में इसका मसाला भून लेते हैं। हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और हमने डीप फ्राई प्याज तल ली थी 2, और उसमें हमने 300 ग्राम दही लेके इसको पीस के इसका मसाला बना लिया है, प्लस थोड़ा सा नमक, मिर्ची और हल्दी।
ये भी इसमें जरूरत पड़ेगी। अब तेल गरम होने के बाद हम ये मसाला डाल के इसको भूनेंगे। हमने प्याज और दही का मसाला डाल दिया, अब इसमें नमक, हल्दी और मिर्ची ऐड कर रहे हैं। अब इसको ऑयल ऊपर आते तक अच्छे से इसको भूनेंगे। इससे हम अपने पाए का जो शोरबा है उसको थोड़ा सा ये गाढ़ा करने में हेल्प करेगा, उसकी थिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी होगी। बस ये बेस रहेगा और मज़ा भी अच्छा बढ़ेगा उसमें। थोड़ा भूनते 5 मिनट लगेंगे इसमें। देखिए हमारा मसाला भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसको पाए में ऐड करेंगे। ये हमारे पाए देखिए ऐसे हुए, अभी थोड़ी सी कसर रह गई है। अब ये मसाला डाल के फिर इसको और 3-4 सीटी लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। हमने इसमें अपना मसाला ऐड कर दिया है और जो मसाले का बर्तन था उसको भी पानी से डाल के इसमें खंगाल के डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स करके और इसको कवर करके 4 से 5 सीटी और लगाएंगे। सीटी बाद आपको बताते हैं। पाए बनके तैयार हैं, हम इसको डिश आउट करके बताते हैं। हमने पाए डिश आउट कर लिया है और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा लेमन, हरा धनिया और अदरक के टुकड़े और हरी मिर्ची को बारीक काट के रख लिया है। अब इस पे आप जितनी ज़रूरत है उतने आप लेके आप उसको खा सकते हैं। इसको आप फुलकों के साथ, नान के साथ, कुलचों के साथ खाइए, बहुत लजीज लगता है। माशाल्लाह मज़ेदार पाए बनके तैयार हैं। आप भी मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए और आपको आपके व्यूज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँचें। थैंक यू, बाय।